तो इस वक्त की अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरे पर हैं। बता दें कि सुरक्षा विहार में सीएम योगी डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि सीएम दीनदयाल अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, वे कोरोना की रोकथाम को लेकर सीएम योगी समीक्षा भी करेंगे। बता दें कि 150 डॉक्टर, उद्योगपति, प्रोफेसर और प्रबुद्ध जन इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी, सांसद और विधायक भी इस बैठक में मौजूद नजर आएंगे। तो खबर हम आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी अलीगढ़ के दौरे पर हैं। बता दें कि सीएम योगी अलीगढ़ दौरे के दौरान सुरक्षा विहार में डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी करेंगे। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी कोरोना की रोकथाम को लेकर समीक्षा भी करेंगे। बता दें कि 150 डॉक्टर, उद्योगपति, प्रोफेसर और प्रबुद्ध जन भी इस बैठक में शामिल नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के दौरे पर हैं। बता दें कि सीएम योगी, तो इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आकाश सोनी जुड़ चुके हैं। जी आकाश, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है सीएम योगी के अलीगढ़ दौरे को लेकर? सुरक्षा विहार में वे डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे, इस पर भी क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। ताने में बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अलीगढ़ आगमन हो रहा है, वह करीब 11:30 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे और जिनका हेलीपैड ताला नगरी पर बनाया गया है, वहां से वे दीनदयाल हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे जो कोविड के लिए बनाया गया है। इसके तत्पश्चात वे जीटी रोड स्थित एक फार्म हाउस में जाएंगे। यहाँ वे सभी विधायक और सांसदों के साथ जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे अपने 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी के साथ वे आगे की रणनीति बनाएंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे। जी आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबर हम आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के दौरे पर हैं। बता दें कि सीएम योगी अलीगढ़ दौरे के दौरान सुरक्षा विहार में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे।